मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में सिरमौर जिला की कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि चिकित्सकों को भी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का उचित उपचार और नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के अंतर्गत घरों में रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य मापदंड के अनुसार नियमित निगरानी करनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी होम आइसोलेशन के अंतर्गत रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कालाम्ब और पांवटा साहिब क्षेत्रों के उद्योगपतियों को उनकी इकाइयों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के संपर्कों का पता लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में कोविड-19 मरीजों का समय पर पता लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को विवाह समारोह जैसे सामाजिक कार्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। आप एक चीज को सुनिश्चित करें, पर्टिकुलरली वो सुनिश्चित ये करें कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको भी इन्वॉल्व करिए, वो भी आप लोगों के साथ टच में रहे। जो नियर बाय के जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो एंश्योर करें कि पेशेंट को अगर फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आशा वर्कर जाती हैं, वो कम से कम उनके उनके सामने तो कम से कम उनके हेल्थ पैरामीटर को रिकॉर्ड करें। दूसरे जो है, मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि जितने भी हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आप लोगों के लिए सहयोग हो सकता है, जिसमें हमारे PRIs का मैंने जिक्र कर लिया, नगर परिषद नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबसे भी एक आधी मीटिंग कर आप उनके साथ भी करिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट एंश्योर करें।